तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने आ रहे हैं हॉगवर्ट लेगेसी। तो आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में तो याद ही होगा, हमारे पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े थे। खत्म हो गया भैया मैटर। उसका नाम रैनरॉक है, वो एक गॉब्लिन है भाई। उसने मेरे पीछे ऐसा क्यों किया मेरे को इतना समझ में नहीं आया। वैसे आया था, मेरी प्रोफेसर के साथ बात हुई थी, उसने बोला था कि मेरी तिजोरी में कुछ ऐसी चीज है जो उसको चाहिए। पैसा ही पैसा हो गया। वो तिजोरी में क्या चीज है मेरे को तो नहीं पता, मगर उसको हम जल्दी से ढूंढ करेंगे। अभी अपना जो नया टास्क है ना, इसका नाम है फाइंड ज़ेनोबियास गॉबस्टोन्स। तो इसको फाइंड करने के लिए मेरे को नीचे चलना होगा, पता नहीं कितनी दूर जाना है। वैसे एशिया ढूंढनी है मेरे को, अभी तक मैं एक भी ढूंढ पाया। रात हो रही है शायद, शाम हो रही है। तो यहाँ पर करना क्या होगा मेरे को? अच्छा, यहाँ पर वो गॉबस्टोन्स होंगे। सो एक मिनट, इसके साथ बात करें। क्या नाम है? लगता है इसके साथ कुछ गलत हुआ। इसका नाम नेली है। I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. ऐसा मेरी इसके साथ बात हो गई है। इसकी कोई की है जो अभी खो चुकी है, सो उसको मेरे को ढूंढ कर इसको लेकर आना पड़ेगा। कह रही है मैं थोड़ी सी परेशान हूँ उसके लिए। तो मैंने कहा ये गॉबस्टोन्स वगैरह मैं बाद में ढूंढ लूंगा, पहले तेरा काम करके लेकर आता हूँ। तो वो ऊपर है एस्ट्रोनॉमी टावर के ऊपर। अभी मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, यहाँ पर वो मेरे को चाबी होगी जो ढूंढनी है। थोड़ा सा और ऊपर चलना होगा ऐसा मेरे हिसाब से। तो एक मिनट, यहाँ पर कोई गाना गा रहा है, मेरे को आवाज़ें आई थोड़ी सी। यार कितना बड़ा कासल है यार, मज़ा आ रहा है इसको घूमने में, पूरी हैरी पॉटर वाली फील तो है। और ये देखो यार कैसी चित्रकारी हुई है यहाँ पर, इसको मैं घुमा सकता हूँ। ओके, मज़ेदार तो ये है थोड़ा सा मेरे हिसाब से। नहीं, यहाँ पर वो की होगी। तो ऊपर चल सकता हूँ मैं, फिर ऊपर जा कर ढूंढते हैं। इसका नाम एस्ट्रोनॉमी टावर है, तो वो चाबी ये है, इसको देना होगा मेरे को। अबे नीचे बग्गी आ जा यार, क्या कर रही है? इधर गई नीचे, फिर से थोड़ा सा बाहर। अबे वो वहाँ पर आ जा। नहीं यार, ये ऐसे नहीं आने वाली। आ जा, अब खुलेगी जी। मेरे हिसाब से मेरे को इसको लेने के लिए इसको स्लैप करना होगा भाई साहब। जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, जब भी ऐसे क्रॉस करेगी ना, वहाँ पर इसको थप्पड़ मार देना है। कुछ ऐसा सीन लग रहा है। सो शायद से हो गया ऐसे करना था मेरे को। और यहाँ पर रेवनक्लॉ का कुछ टोकन मिला है, इसका क्या काम है? चलो उस लड़की को जो वापस करके आते हैं, या जो भी काम होगा उसको चाहिए। मेरे को क्या, इसके कोई काम नहीं है। ये रही ये ले अपनी चाबी, फालतू बात मत करना, ले ले तो दफा हो। ओके, ब्रिलियंट कह रही है। हाँ, मेरे को ऐसा टोकन मिला है जिसका कोई काम नहीं था अभी। हाँ, हाउस टोकन ही है, हमारा रेवनक्लॉ हाउस है इसलिए। I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. अच्छा। I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. तो ये कह रही है कि जो हमको टोकन मिला है ना, वो अपने जो कॉमन रूम है ना, वहाँ पर एक चेस्ट होगी, उसको उसके साथ खोलना है। वहाँ पर अपने को कोई प्राइज वगैरह मिलेगा। अब मिलेगा भी कि नहीं ये तो पता नहीं है। सो कॉमन रूम के पास जल्दी से पहुँचते हैं और देखते हैं अपने को कौन सा गिफ्ट मिलने वाला है। तो ठीक है, ये है रेवनक्लॉ और खुल गया सिम। नहीं, जैसे ये है हमारा हाउसेस का रूम, वो किसी और का था। और ये रही वो चेस्ट, इसको मेरे को खोलना होगा। ओके, तो देखता हूँ यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा। हाउस चेस्ट प्लेस, क्या होगा? फाइंड द रिमेनिंग हाउस टोकन्स दैट आर अराउंड हॉगवर्ट्स। अबे यार, अभी तक एक ही ढूंढा है मैंने, 16 टोकन्स ढूंढने होंगे तब जाके ये हो पाएगा। यार ये तो टाइम वेस्टेज हो गया मेरा, फिर क्या फ़ायदा? तो भाई साहब, मेरे को अभी अभी जल्दी जल्दी प्रोफेसर हैकेट्स ने बुलाया कि जल्दी से तू मेरे पास आ, तेरे को एक नया स्पेल सिखाना है। मैंने भी कहा चलो मैडम जी, मैं सीख लेता हूँ। अब कहाँ पर चलना है? शायद से मेरे को ऊपर चलना है कि नहीं, इस साइड से इस गेट को खोलते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। काफ़ी देर से ऐसे घूम रहा हूँ यार, बहुत दूर दूर क्लासरूम से इनके, ऐसे तो मैं लेट हो जाऊँगा बार बार। नहीं, मगर मैं पहुँच गया। अब इन मैडम ने बुलाया तो देख लेते क्या बात है इनसे फिर। अच्छा, मैंने कहा था इनको नया स्पेल सिखाने के लिए। इनसे मैंने पहले भी एक स्पेल सिखा है जिसका नाम है लेवियोसो, उससे मैं किसी को भी उड़ा के फेंक सकता हूँ। इसका नाम है इंसेंडियो, वो एक फायर मेकिंग स्पेल है। तो भाई साहब, इस मैडम ने कह दिया है कि इस स्पेल को सिखाने के लिए तुमको पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। इन्होंने मेरे को दो काम किए हैं, विन टू राउंड्स ऑफ क्रॉस वैंड्स।
अब इसको मेरे को करना होगा और दूसरा टास्क है कंप्लीट अ राउंड ऑफ स्पेल कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस विद लॉक एंड ब्रिटल बाय। अब ये दो काम है, इनको मेरे को जल्दी से करना होगा। सबसे पहले मेरे को चलना है नीचे, और नीचे जाने नहीं सॉरी मेरे को ऊपर चलना होगा। मैं वैसे नीचे आ गया, तो जहाँ से इस साइड और थोड़ा सा नहीं इस साइड से ऊपर चलना है मेरे को। ओके बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, इसको डोर को खोला और ये आ गया मैं यहाँ पर। यहाँ पर इन बच्चों के साथ मेरे को प्रैक्टिस करना होगा, कोई ज़रा डिफिकल्ट काम तो नहीं है ना। ओके नूबड़ो, मैं यहाँ पर ही बैठ गया था और ये बच्चे आ चुके हैं, अब इनके साथ मेरे को प्रैक्टिस करना होगा। चलो आ जाओ फिर, इसको मारो पहले। प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करना है, पहले इसके साथ बात करनी होगी। चल ठीक है फिर। ओके तो फाइट स्टार्ट हो गई है, अब बस इनको मेरे को मारना होगा। प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे करना होगा। ओके एक और है प्रोटेक्ट के लिए आई मीन मैजिक, ये वाला। और मारो इनको भाई, ऐसे तो ये मरने वाले नहीं है। अबे रिपेयर क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आकर, एक बार और यूज़ करता हूँ। अब ठीक है, अब मारता हूँ मैं इनको। ईजी है यार, ज़रा कुछ डिफिकल्ट नहीं, इनको मैं मार दूंगा आराम से। नो नो, अबे रुक जा और मारो इसको। और अबे नो, मैं वैसे मार भी साथ के साथ खा रहा हूँ, थोड़ा सा हील कर लेता खुद को, अब मारता हूँ। ओके तो फाइट इनसेन हो रही है, अब मारो मारो, अब जाएगा जे। इनको लेवियोस करके मारूंगा तो ज़रा फ़ायदा है, ऐसे तो इनको वैसे मैं मार नहीं पाऊंगा। ओके एक गया, अबे विक्ट्री होगी हमारी, दोनों को क्यूट दिया हमने, ये मज़ा आ गया भाई। ऐसे नहीं मैं हैरी पॉटर हूँ। ओके अब कह रहा है कि अच्छा हुआ, अच्छा काम किया आई मीन। तो भाई साहब एक बार इसके साथ मेरा मैच हो चुका है, एक बार दोबारा से इसके साथ बात करके करना होगा, फिर ही मज़ा आएगा। हेलो लुकिन। ओके दूसरा मैच स्टार्ट हो गया है, अब इसको मेरे को एक्यू करके मारना है कि कैसे मारना है। नहीं हुआ, अब ठीक है, मज़ा आ गया यार, ये सच में अच्छा था। ऐसे अटैक करना है इनकी प्रैक्टिस, अब दूसरे अटैक की मेरे को प्रैक्टिस करनी होगी। ओके ये भी मज़ेदार था, अब तीसरा अटैक कौन सा होगा। बस दो ही अटैक सीखे अभी तक मैंने वैसे। ओके ठीक है समझ गया मैं, तो फिर से ट्राई करता हूँ। ओके अब होएगा। ओके इजी था यार, मैंने इतनी ट्राई की, अब जाके हुआ मेरा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं शायद से, नहीं हो गया, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया। थैंक यू लुकिन। ओके तो मेरी फाइट स्टार्ट होने वाली, ये दो गर्ल्स हैं और हम दो बॉयज, नहीं ये तीन जाने हैं, एक लड़का भी इनके साथ है। तो देखते हैं फिर कौन जीतता है, इसका नाम है अडेप्ट राउंड। तो ठीक है मैं रेडी हूँ, आ जाओ फिर, अब करते हैं असली मैच, फिर से मारूंगा इसको मैं। अबे यार जल्दी जल्दी जल्दी, अरे वो मेरे दोस्त मेरी हेल्प कर ही नहीं पा रही हुई। ओके एक तो गया, अब दूसरे को भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके मज़ा आ रहा है यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चार से जाने वाले हैं। ओके एक तो गया, दूसरे को भी नॉक कर दिया और तीसरा भी। रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो, मैं मरने वाला हूँ बस। अब हेल्थ गई, अब हेल्थ जाएगी। ओके अब ठीक है, मैं क्यों करता हूँ एक बार। ओके मज़ा आ गया, जीत गए हम यार, दोबारा से जीत गए। ये मज़ेदार था वैसे फाइट, मगर रिस्की भी था, फिर भी हमने ये कर दिखाया। ओके तो हमारा राउंड टू वाला भी क्विस्ट कम्प्लीट हो चुका है, अब दोबारा से मेरे को प्रोफेसर हैकेट्स के पास वापस जाना है और देखते हैं क्या कहेंगे वैसे वो मेरे को। ओके तो मैडम के पास वापस से पहुंच चुका हूँ, अब बात करते हैं इनसे कि ये मेरे को नया मैजिक सिखाएंगे कि नहीं। हाँ मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिया, आपने जो भी मेरे को बोला था। यस तो सिखाइए मेरे को। यस आई एम सॉरी टू से आई विजिटेड इनफ केयरलेस कॉलीग्स एंड कीप योर वांड स्टेडी। तो इसको मेरे को स्टार्ट करना होगा जल्दी से। एक हो गया, अब मेरे को वो पीछे आएगा दोबारा से, ये भी हो गया और हो गया, मैंने इसको सीख लिया, इंसेंडियो को मैंने सीख लिया। तो ये तो बड़ा मज़ेदार बात होगी, नया स्पेल जल्दी से सीखा है, इसको मैं लगा भी लेता हूँ फिर। तो इंसेंडियो ये वाला है, इसको मैं लगाऊंगा इस जगह। ओके तो इसको अब मेरे को ट्राई भी करना होगा, लगा तो लिया वैसे मैंने, अब इसको ट्राई करते हैं। अबे यार गलत ट्राई कर लिया, फोकस नहीं था मेरा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं करके देखो अब। ओके अब ठीक है। Getting it.
ओके इंसेंडियो सच में मजेदार है यार, मेरा लेवल भी साथ के साथ 5 हो गया। भाई साहब मैंने नए स्पेल इंसेंडियो को तो सीख लिया है, मगर मेरे को अभी भी प्रोफेसर फिग ने बुलाया है। ओके तो सर जी आ चुके हैं और अब मेरे से ये बात करेंगे कि नया स्पेल वगैरह सीखा है और उसका क्या बात हुई। हाँ बोलिए सर जी। हेलो सर, यू'ल बी प्लीज्ड टू नो दैट आई वर्कड ऑन माय डिफेंसिव मैजिक विद प्रोफेसर हैकर्ड। सो आई हियर शी टेल्स मी यू हैव टेकन रादर वेल टू योर न्यू वंड। You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. तो ये यही कह रहे हैं कि तुमने ये सीखकर अच्छा किया और तुम दूसरे प्रोफेसर से भी कुछ भी सीख सकते हो। So, मैं तो रेडी हूँ। Fig, I have work for you. Come. Okay, ये प्रोफेसर ब्लैक हैं जो प्रोफेसर फिग को कह रहे हैं कि मेरे पास आता हो। I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be. कुछ गलत हुआ है शायद से। My office. लग तो रहा है और ये प्रोफेसर फिग को बुला रहा है कि मेरे ऑफिस में जल्दी से आ जाओ, वो भी 5 मिनट में। That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever. बहुत खतरनाक सीन है फिर तो। और प्रोफेसर के साथ मेरी बात हो गई है, वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे को सेबेस्टियन के साथ बात करनी होगी कि दिक्कत क्या है। तो वो मेरे को वैसे नीचे मिलेगा, मगर अभी नहीं यार, वैसे बहुत हो चुका है। तो आज वैसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ नहीं वैसे एक ही मैजिक सीखा जिसका नाम इंसेंडियो है, और उसको सीखने के लिए मेरे को बहुत पंगे करने पड़े, मगर मज़ा तो आया ना। तो मज़ा आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप लोग को हॉगवर्ट्स की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इसको देखना चाहते हैं और कंटिन्यू रखूं मैं इसको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम सेबेस्टियन के साथ बात करेंगे और इस दिक्कत का हल देखेंगे। सबके लिए बाय बाय।